रूस और यूक्रेन में जारी जंग के चलते पूरी दुनिया में सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसका नतीजा है कि विश्व के तमाम बड़े देश महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में डीजल पेट्रोल से लेकर घरेलू सामान तक की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस बीच देश की जनता को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब रेपो रेट एक झटके में 0.40% बढ़कर 4.40% हो गया है। इससे पहले रेपो रेट 4% थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। अकॉर्डिंगली द डिसीजन ऑफ द एमपीसी टुडे टू रेज पॉलिसी रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स टू 4.4% 4.40% मे बी सीन एज अ रिवर्सल ऑफ द रेट एक्शन ऑफ मे 22, 2020। In keeping with the announced stance of withdrawal of accommodation set out in April 2022, so in other words, in last month we had set out a stance of withdrawal of accommodation, and today's decision should be seen as a continuation of that announcement. Repo rate ke badhne ka seedha asar ab aam janta ke jeb par padne wala hai. Hum aisa kyu keh rahe hain ye janne ke liye pehle ye jaan lijiye ki repo rate hota kya hai. दरअसल रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इसी कर्ज को ग्राहकों को ऋण के रूप में देते हैं। तो रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कर्ज सस्ते हो जाएंगे। वहीं रेपो रेट अगर बढ़ता है तो बैंक लोन महंगे हो जाते हैं। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में बदलाव करने से बैंकों की तरफ से लोन पर ब्याज दर बढ़ाने का रास्ता अब साफ हो गया है। रेपो रेट बढ़ने से आने वाले दिनों में आपके होम लोन, कार लोन की ईएमआई भी बढ़ने वाली है। इसके अलावा रेपो रेट बढ़ने से आने वाले दिनों में क्या बदलाव आ सकते हैं, ये भी जान लीजिए। रेपो रेट के बढ़ने का असर आपके सेविंग बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पर भी पड़ सकता है। आरबीआई का मानना है कि ब्याज दर महंगा होने से मनी इन्फ्लेशन पर लगाम लगाई जा सकेगी। इसके अलावा रेपो रेट में बढ़ोतरी से उम्मीद की जा रही है कि इससे महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी। इसका असर औद्योगिक विकास पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अब उद्योगों के लिए भी लोन लेना महंगा हो जाएगा। और औद्योगिक विकास पर असर का सीधा प्रभाव रोजगार पर भी पड़ने की संभावना है। ये तो बात हुई दीर्घकालिक प्रभाव की, लेकिन आरबीआई के इस फैसले का तुरंत असर देश के बाजार पर देखने को मिला, जहाँ फैसले के बाद सेंसेक्स करीब 1300 पॉइंट गिरकर 55,700 के करीब पहुँच गया। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार में ये गिरावट आरबीआई के अचानक लिए फैसले की वजह से हुआ। बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। आरबीआई का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब युद्ध के चलते पहले ही देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है।